हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह, आपके पसंदीदा शो विद शेफ 21 रोजाना लाइव होती है आपके साथ शाम 6 से 7 रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। आज का शो बहुत खास होने जा रहा है। वैसे तो हर शो ही खास होता है क्योंकि आप सब खास हमारे साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि आज का मेन्यू हमारा बहुत ही मजेदार है, डिफरेंट है। आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा आज की रेसिपीज पसंद आएंगी और इसकी बहुत ज्यादा लोगों ने फरमाइश की थी। जी दोस्तों, अगर ब्रोस की बात की जाए तो बहुत से लोग रेस्टोरेंट, होटल और काफी जगहों पर जाते हैं ब्रोस इंजॉय करने के लिए, लेकिन आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जिसे इजीली अपने घर पे आप खुद ही ब्रोस तैयार कर सकते हैं, तो आज जो मेन्यू हमारा बहुत ही खास स्पाइसी चिकन ब्रोस। ठीक है, और चलते हैं स्पाइसी चिकन ब्रोस की रेसिपी की जानिब। और डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी, इतना कि मौजे फिजा में यार गुल खिला गया, मौजे फिजा में यार गुल खिला गया, नजारे में नकाब काम कर गया। खुश आमदीद कहते हैं। आज जो रेसिपी शेयर करें ब्रोस के साथ, जो अगली रेसिपी हमारी वो भी बहुत ही आला है, लेकिन सवाल की जानिब चलते हैं दोस्तों। सवाल आज का इतना सा, देख सकते हैं एप्पल भी मौजूद है, एप्पल का हमने आज सैलड भी कर रहे हैं तैयार, और सवाल इतना सा है कि एप्पल सेब जिसके फायदे बहुत ज्यादा, आयरन हासिल करने का बेहतरीन जरिया। ठीक है, सवाल इतना सा कि एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता। ठीक है, सेब जो है पानी में क्यों नहीं डूबता। ठीक है, एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता, इसका जवाब आप दे सकते हैं कॉल करके, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा, जवाब आपके लेंगे। और चलते हैं रेसिपी की जानिब, चिकन ब्रोस्ट बना रहे हैं। और आज वैसे अमूमन हम आज चिकन अच्छी खासी है, कोई 1.5 kg, ठीक है, लगभग 1.5 से 2 kg चिकन हमारे पास मौजूद है। जब भी आप ब्रोस्ट बनाएंगे तो मीट आपने लेना, एक चिकन की आपने 8 pieces करवाने। ठीक है, एक चिकन की आपने 8 pieces, इसमें 4 सीने के होंगे, ब्रेस्ट होंगे, 4 leg pieces होंगे। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा है, 1 chicken से ज्यादा है, लगभग 2 chicken से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के इट मैटर अलोट, ये चिकन का साइज क्या था। नॉर्मल जो चिकन है, नॉर्मल जो मुर्गी है, चिकन जो है उसका वजन 900 से 1300 ग्राम के दरमियान होना चाहिए, या 1400 लगा ले 1400, इससे ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा ना, इससे वेट कम हो, ताकि इसका जायके में बहुत ज्यादा फर्क आता है। ठीक है, बकरे का भी ये होता है, जिस तरह आप खुद जो गोश्त या मटन या बकरा जो पालते हैं वो बहुत जल्दी गलता है, इसी तरह पहाड़ी जो जानवर होता है उसमें गलने में ज्यादा टाइम लगता है। ट्रिकी चीज है, टेक्निकल है, लेकिन जाना जरूरी। चिकन है 1.5 kg, बाकी अज्जा देख लीजिए। ठीक है, मेयोनीज, ठीक है, मेयोनीज मौजूद है, उसके साथ करना पेश। अज्जा देख सकते हैं अच्छे खासे मौजूद है यहाँ पे। मैदा व्हाइट फ्लावर शामिल करना है इसमें, कॉर्न फ्लावर, अंडे, चावल का आटा, अदरक लहसुन पिसा हुआ, सोया सॉस, नमक, टमाटो केचप भी ज्यादा ऐड करना है। ठीक है, चिकन पाउडर, काली मिर्च कुटी हुई, सफेद मिर्च, लाल मिर्च कुटी हुई। चलते हैं प्रोसेस की जानिब, पानी मौजूद है और वेजिटेबल में देख सकते हैं आप। ठीक है, एप्पल मौजूद है, लेकिन एप्पल हमने ब्रोस्ट में शामिल नहीं करना। ठीक है, एप्पल का एक सैलड करें तैयार, लेकिन पहले हम ब्रोस्ट की प्रोसेस का आगाज करते हैं। पानी के अंदर हम चिकन करते हैं बॉइल। ठीक है, चिकन जो मौजूद है एक एक करके हम शामिल करते हैं। ठीक है, और इसे हम करते हैं बॉइल। ठीक है, और अच्छी खासी देख सकते हैं 1.5 kg, बल्कि इस तरह एक एक करके शामिल करते हैं। ठीक है, और बॉइलिंग की बात की जाए बहुत ज्यादा देर नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट बस, उसके बाद निकालना है। ठीक है, 2 तरीके होते हैं ब्रोस्ट बनने के, और एक तो डायरेक्टली बना सकते हैं, दूसरा ये एक आसान मेथड है। ठीक है, इससे आपको आसानियों की जरूरत है, किसी तरह हल्का सा बॉइल करना है। ठीक है, सिर्फ 3 से 4 मिनट बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, पानी में शामिल किया और अच्छी खासी चिकन है देख सकते हैं आप, 1.5 kg स्पाइसी चिकन ब्रोस्ट। सवाल इतना सा, एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता, व्हाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, जरूर आप बता सकते हैं। जरा सी क्लीनिंग, उसके बाद देखिए बॉइलिंग सिलसिला जारी, जब तक चिकन होता जा रहा है बॉइल। हम चलते हैं बाकी प्रोसेस की जानिब, इसकी मिक्सिंग मैरिनेशन करनी है तैयार। जरा सा करते हैं कवर, और ये देख सकते हैं बाहर जो चिकन है अच्छी तरह अंदर तक डिप होना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ 3 से 4 मिनट के बाद निकालना है, जरा सा क्या कवर। और जब भी कोई भी आप बॉइलिंग करें, बॉइलिंग में नमक जरूर शामिल किया करें, जरा सा। ठीक है, इससे क्या होता है पानी के अंदर एक तो बैक्टीरिया होते खत्म हो जाते हैं, यकीनन नमक के फायदे अपनी जगह, नुकसान के साथ फायदे भी बहुत ज्यादा, नमक के, नमक भी शामिल किया। प्रोसेस जारी है,
चिकन और ये बॉयल और ब्रोस्ट के हम बाकी प्रोसेस की जानिब चलते हैं। इसका मसाला हमने करना है तैयार, ठीक है, और इसी में मिक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, चिकन और ये बॉयल, इसका मसाला इसमें हम करते हैं तैयार। मिक्सिंग देखिए, चिकन अच्छी खासी कोई 1.5-2 किलो लगभग, तो उसी हिसाब से मसाला अच्छा खासा बनेगा। क्या अच्छा बेट कर रहे हैं? बहुत लोग शामिल नहीं भी करते, लेकिन हम कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं 1 कप अदरक लहसुन, 1, 2, 3 3 खाने के चमचे। ठीक है, कुछ ही देर में आपके कॉल्स भी लेंगे। क्या अच्छा अदरक लहसुन, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1.5 टेबल स्पून, काली मिर्च कुटी हुई 1, 2 ठीक है 2 टेबल स्पून, सफेद मिर्च व्हाइट पेपर ये भी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 और 2 टेबल स्पून, नमक इसके लिए जो शामिल करना आज से आप अंदाजा करते हैं बेहतर। ठीक है, लगभग 2 टेबल स्पून हमने शामिल किया। ठीक है, नमक, लाल मिर्च कुटी हुई, सफेद मिर्च, काली मिर्च, केचप, सोया सॉस शामिल करने के बाद कटी मिर्च, विनेगर लोग इसके अंदर शामिल करते हैं सिर्फ कम, लेकिन हम विनेगर शामिल नहीं कर रहे थे, बल्कि इसका लेमन, ठीक है, नींबू की खटास जिस ब्रोस के जायके को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। दोस्तों ये एप्पल नजर आ रहा है यहाँ पे, आप भी देख सकते हैं, लेकिन ये पानी में नहीं डूबता, क्यों नहीं डूबता, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड जरूर आप बता सकते हैं। लेमन, ठीक है, रखा और हल्का से इस तरह आपने सॉफ्ट कर दबाना है, जैसे क्या सॉफ्ट हो जाएगा, जितना सॉफ्ट होगा उतना जूसी होगा, उतना ज्यादा इसका जूस हासिल कर सकेंगे लेमन का। ठीक है, हल्का से स्टार्ट किया, सर्दी में वैसे लेमन बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया और आपने टर्न करना है, ठीक है, वन मोर, ठीक है, और देख सकते हैं 1 more piece ऑफ लेमन। इसी तरह आपने पहले सॉफ्ट करना है, दबाना है, ठीक है, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ, ये देख सकते हैं आप इस तरह किया, फिर यहां से स्टार्ट किया और लेमन को करते हैं टर्न। लेमन विटामिन सी हासिल का बेहतरीन जरिया, ठीक है, विटामिन सी हासिल करने का लेमन जूस भी इसमें हम शामिल करते हैं, ठीक है, और ये ब्रोस के जायके को अच्छा बनाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हम लेमन जूस शामिल कर रहे हैं, वन अदर, एक इसे भी इस तरह से हम जूस निकालते हैं। ठीक है, अच्छी सारी रखिए आप, और लेमन पाउडर बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे, क्योंकि मैं रेडियो शो करता हूँ, ठीक है, वहां भी बहुत से लोग कहते हैं कि लेमन पाउडर यूज कर सकते हैं। आई थिंक जब मार्केट में बाजार में फ्रेश लेमन मौजूद है तो वाई वी नीड टू यूज लेमन पाउडर, ठीक है, बेस्ट है, हेल्दी भी है, तो लेमन फ्रेश लीजिए ज्यादा बेहतर है। करते हैं मिक्स, साथ ही देखिए बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है, चिकन निकालते हैं, जिस तरह कहा कि जरा सा बॉयल हुआ 3 से 4 मिनट उसके बाद निकालते हैं। ये मसाला हो चुका है तैयार ब्रोस का, जरा से केचप लिया, सोया सॉस, अदरक लहसुन, चिकन पाउडर, काली मिर्च, सफेद मिर्च, लाल मिर्च, तमाम अज्जा शामिल करें। देखिए काफी चटपटा मसाला ही, देख सकते हैं उसके कलर से अंदाजा और होगा आपको, ठीक है, चटपटा है काफी है। और चिकन निकालते हैं, कॉलर भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं आप? जी अनिला बात कर रही हूं। जी अनिला जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आज भी आप बहुत जबरदस्त रेसिपी बना रहे हैं। थैंक यू अनिला जी। अच्छा अनिला, हमने सवाल पूछा है कि एप्पल सेब पानी में क्यों नहीं डूबता? देखिए एप्पल जो है इसका वजन नहीं होता, हल्का होता है, ये लाइट वेट होता है इसका, तो जाहिर बात है ये पानी में नहीं डूबेगा, ऊपर ही की तरफ आ। देखिए दुनिया में बहुत सी चीजें जो बहुत वजनदार होती है लेकिन पानी में नहीं डूबती, जो शिप जो होता है, कितना वेट होता है? मेरा तो यही था ख्याल। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, हाँ बस ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, खुश रहें, शादाबाद रहें। दोस्तों अनिला जी बोलती है चिकन जो बॉइल हल्का से कैसे 3 मिनट, अभी तो कच्चा ही अंदर, सिर्फ कलर इसका चेंज हुआ बस, इसे चटपटे मसालेदार मसाले में कर रहे हैं शामिल। अब जी छोटा सा ब्रेक इसी बात के साथ, जिन दूर रहकर भी निदाना कहना यादों में है ना, लेट्स टेक अ ब्रेक, चलते हैं ब्रेक के बाद।
आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर शो, खुश आमदीद कहते हैं वन मोर टाइम। आज रेसिपी शेयर करें बहुत ही खास, स्पाइसी चिकन ब्रोस्ट। लगभग कोई 2.25 किलो चिकन था जिसे हमने हल्का सा बॉयल किया और बाकी दीगर अज्जा में इसका बहुत चटपटा मसाला बनाया हमने, ठीक है, जिसमें टमाटो केचप, सोया सॉस, लेमन जूस, अदरक लहसुन, नमक, कुटी हुई काली मिर्च, सफेद मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर, सब अज्जा को मिक्स किया। उसके बाद चिकन हमने इसी में शामिल किया, अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मिक्स करने के बाद कुछ देर रखा जाए तो और भी बेहतर होता है, ताकि सब चीजों का जायका, सब मसालों का जायका इसके अंदर तक रचिए, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो काफी ये चटपटा बनेगा और बाकी जिस तरह हमने पहले भी बात की, देयर इज नो लिमिटेशन इन कुकिंग, ठीक है। जहां ब्रोस्ट बना था वहां हो सकता है इमली ना शामिल की जाती, लेकिन आप चाहें तो इमली भी शामिल कर सकते हैं, मसाला और चटपटा हो जाएगा। और इसी तरह ही होता है दुनिया भर में, ठीक है। ना हम कोई चाइनीज रियल फूड बनाते हैं, ना हम कोई इटालियन खाने रियल बनाते हैं पाकिस्तान में, इसी तरह हमारी बिरयानी बाहर बनती है वो अपने अंदाज़ में बनाते हैं। इसी तरह आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में चेंज करना पॉसिबिलिटी नहीं होती, कुछ में होती है। सवाल पूछा है एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता, ठीक है, आप जवाब दे रहे कॉल करके। अच्छी तरह से बहुत मिक्स करना आपने, देखिए, ठीक है, हैंड ग्लव से मसाला या अच्छी तरह से आपने इस तरह करना कि मसाला अंदर तक इसकी रचे, ठीक है। अच्छी तरह से देख सकते हैं आप, ये मसाला देख सकते हैं चम्मच में आप, ये हमारे तो सीव के कैमरे की नजर से ये काफी चटपटा है, ठीक है। कोशिश करने से आपने अच्छी तरह से ये देख सकते हैं आप, काफी चटपटा मसाला है ये, ठीक है, और जो ब्रोस के फ्लेवर को उठाएगा मजे का, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करें, कुछ दिन कॉल्स भी लेंगे। सवाल पूछा है एप्पल पानी में क्यों डूबता, शबाना आ चुकी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आइए, आपने मुर्गी को पहले बॉईल करा? जी जी शबाना जी, हम सो सॉरी, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है, वन मोर टाइम आप कॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, सवाल था इनका कि बॉईल के, बिल्कुल बॉईल, बॉइलिंग का मतलब होता है किसी चीज को 100% बॉईल करना, उबालना। हमने बॉइलिंग नहीं किया एक तरह से, हम तो बॉइलिंग ही कहेंगे लेकिन वो बॉइल नहीं किया, ठीक है। इसे हमने क्या, पानी गर्म करने के लिए रखा, सिर्फ 2-3 मिनट पानी के अंदर रखा, जैसे ही कलर हुआ चेंज उसके बाद निकाल लिया, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं हाफ बॉइलिंग, हाफ बॉइल भी नहीं किया, तो ब्लांचिंग, ब्लांचिंग मतलब 70% आपने कुक करना, हमने 50% से 20% चिकन कुक हुई थी, कलर चेंज हुआ देख सकते हैं आप, और इसे हमने चटपटे मसाले में शामिल किया, ठीक है। अच्छी तरह से, और बहुत यहाँ मेहनत करनी है आपने, अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर तक जाइए, देख सकते हैं आप, ठीक है। और मिसेस खालिद भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। मिसेस खालिद जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक, मजे में, आप बताएं कैसी हैं? खालिद साहब कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह, खुश रहें, शादाबाद। क्या कहेंगी, बहुत दिनों बाद कॉल की मिसेस खालिद जी आपने। जी जी, मैं जरा इस्लामाबाद गई हुई थी। अच्छा, इस्लामाबाद गई, अच्छा अच्छा, कैसा मौसम इस्लामाबाद का? हाँ, बस ऐसा ही है, बस ठंडक बहुत ज्यादा है। ठंडक बहुत ज्यादा है, हाँ, ठीक है। और चलें, और कुछ सवाल का जवाब देंगी अब? जी जी, जरूर दूंगी मैं जी। मैं जवाब ये दूंगी कि सेब में खुद ही पानी होता है, इसलिए नहीं डूबता। आपका जवाब है कि सेब के अंदर पानी होता है, जी, इसलिए नहीं पानी होता है। अच्छा, जिस चीज में पानी होगी तो नहीं डूबेगी क्या? हाँ, वो नहीं डूबेगी। जिस चीज में पानी होगा वो चीज नहीं डूबेगी, आपका जवाब है, ठीक है मिसेस खालिद जी। अच्छा, एक और मुझे आपसे दरख्वास्त करनी थी, प्लीज कीजिए, फरमाइश करनी थी, हुक्म कीजिए आप, कि मुझे ना ताफ्तान पिज्जा जरा वो सिखा दीजिए। कौन सा? ताफ्तान पिज्जा। अच्छा, इसका मतलब आपने हमारा किसी और एयरवे पे देखा आपने हमारा शो? जी जी। अच्छा, जरूर जरूर इंशाल्लाह, वैसे बना चुके हैं इस शो में, K21 में, लेकिन फिर बनाएंगे आपके लिए। जी जी, ठीक है, जी जी, अच्छा, सही है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह। वैसे दोस्तों, शो में बना चुके हैं K21, फिर बनाएंगे। देखिए, मसाला अच्छी तरह लगा चुके हैं ब्रोस्ट, और साथ ही फ्राइंग की जानिब चलते हैं, ठीक है, चूल्हा करते हैं स्टार्ट, लेकिन फ्राई नहीं करना, ब्रोस्ट के कुछ पार्ट आप देख चुके होंगे, देखिए, ठीक है, सफाई भी अब करना कुछ इससे पहले क्या हो रहा है, हल्का सा बॉयल किया, ऐसे पानी होने की वजह से बात होती है, बबल्स भी आते हैं, लेकिन कुछ देर आपने ऐसे पानी इसका ड्राई होगा,
ठीक है अच्छा नहीं ब्रेक नहीं ब्रेक अच्छा इसका मसाला जब तक ऑयल ऑर्डर रेडी इसका हम फिलहाल तैयार करते हैं ठीक है आपको बताते हैं क्या करना है ठीक है बाकी ये कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जिस तरह हम कहते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड दोस्तों कुकिंग स्पेस की सेफ्टी का दिक्कत बताया जाता है बहुत लोग नाइफ टेस्ट नहीं होती काम कर रहे होते हैं आग के सामने भी ये ट्रिक ही हम लोग आग निकालते हैं आप ब्रीज ऐसा ना किया करें ठीक है एहतियात से अच्छा करना क्या इसमें हम मैरिनेट कर चुके हैं आटा कर रहे हैं तैयार देखिए बाउल में कॉर्न फ्लोर 1 कप फुल है ठीक है 1 कप फुल हमने शामिल किया कॉर्न फ्लोर 1 कप फुल ही मैदा शामिल किया इस बाउल में अलीदा से ठीक है शामिल करते हैं हम इसी के अंदर चावल का आटा भी ठीक है कॉर्नफ्लावर मैदा अंडा चावल का आटा तीनों चीजें शामिल करने के बाद मिक्स कर लेना आपने ठीक है कॉर्नफ्लावर मैदा व्हाइट फ्लावर और राइस फ्लावर को हमने यकजा करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया एक और बाउल में अंडे बीट करते हैं सवाल पूछा है कि एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता ठीक है इसे जरा सा आग ले आते हैं इसमें अंडे वॉश कर लेना जरूरी है यकीन ठीक है इसमें आप इस तरह से 3 अंडे हम शामिल करें बल्कि 2 भी काफी है बल्कि 3 करें ठीक है पौना 2 किलो लगभग 2.5 किलो चिकन है 1 शामिल किया अंडा इसी तरह 1 मोर ठीक है ये देख सकते हैं अंडा हमने शामिल किया 3rd 1 अंडा ठीक है इस तरह आप बीट कर सकते हैं वॉश कीजिए अच्छी तरह से अंडा जरा सा भी टूट रहा है वो तो कभी भी यूज ना करें वो जहर बन जाता है बैक्टीरिया का घर होता है जर्सिन का और बहुत तेजी से डेवलप होते हैं ठीक है तीसरा अंडा भी शामिल किया अब इसे करते हैं अच्छी तरह से बीट अच्छी तरह से फेंटना ठीक है मसाला लगा हुआ ब्रोस पे आटा तैयार है अंडे को हम फेंट लेते हैं प्रोसेस जारी है सफाई भी और साथ ही फ्राइंग की जाने भी चलना है सवाल पूछा है एप्पल पानी में क्यों नहीं रुकता मिसेस खालिद जी ने कहा कि इसमें पानी होता है इसलिए नहीं डूबता ठीक है उससे पहले कॉलर ने कहा कि एप्पल का वजन नहीं होता इसलिए नहीं डूबता हालांकि हम जानते हैं जो शिप जो पानी में समुंदर में होता है उसका वजन कितना ज्यादा होता है ठीक है एरोप्लेन से भी ज्यादा होता है लेकिन वो भी नहीं डूबता ठीक है किसी ने सही जवाब नहीं दिया लेट चिकन का जवाब दुरुस्त होता है अंडे बीट कर लेने आपने फ्लावर तैयार चलते हैं फ्राइंग की जाने भी ठीक है और ये देखिए आप कॉल्स भी लेते हैं आपकी और देखिए हमने टाइम लगा रहे हैं ताकि अच्छी तरह लग मसाला लग जाए अच्छी तरह से देख सकते हैं ब्रोस के ऊपर ठीक है जरा से आगे करते हैं और बाकी प्रोसेस भी बिल्कुल आपके सामने मौजूद है कॉलर है ठीक है और अच्छी तरह से मिक्स करना है कायज जौहर मौजूद हैं से बात करते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कायज साहब कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है आप कैसा है खैरियत है बस मजे में परफेक्ट क्या कहेंगे सर आप आपका प्रोग्राम तो मैं रेगुलर नहीं देखता हूँ वक्तन फवक्तन देखता हूँ काफी अच्छी डिशेज होती है थैंक यू सर ट्राई नहीं किया लेकिन बेगम को कहता रहता हूँ मैं क्या बात है तो, जी जी फरमाइए ये आपने जो सवाल पूछा है ये सेब पानी में क्यों नहीं डूबता जी फरमाइए ये एक्चुअली साइंसी उसूल ये है कि जो चीज आप पानी में डालेंगे जी अगर वो डिस्प्लेस वाटर से कम है उसका हजम डिस्प्लेस वाटर से कम है तो वो पानी में नहीं डूबेगी अच्छा ठीक ठीक है ठीक है चलें जवाब नोट किया बिल्कुल आपको ठीक है थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया जवाब नोट कर चुके हैं आपका ठीक है लेकिन अब तक आपको बताऊं किसी ने दुरुस्त जवाब नहीं दिया एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता अंडे बीट कर चुके हैं फ्लैट तैयार है फ्राइंग की जानिब चलते हैं और लेकिन उससे पहले वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद ये मसालेदार ब्रोस को हमने पहले फ्लैट के अंदर डिप करना उसके बाद अंडे के अंदर लेकिन ये ट्रिकी मामला है अक्सर लोग कहते हैं जो हमने जिंगर या ब्रोस बनाया और क्रिस्पी नहीं बना जितना बाहर मिलता क्यों नहीं बना आज इस शो में आपके सामने बनाएंगे बहुत क्रिस्पी एंड जूसी होगा तैयार कैसे आप जान सकेंगे छोटे से वक्त के बाद लेट्स टेक अ ब्रेक Thank you.
आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर शो। आप देख रहे हैं शेफ 21, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल। स्पाइसी चिकन ब्रोस्ट कर रहे हैं तैयार। और क्या क्या था, चिकन को हल्का सा बॉयल किया, मसाले शामिल किए, उसके बाद फिलहाल मैदा, कॉर्नफ्लोर, अंडा और साथ अंडे, वाइट फिलहाल, मैदा, कॉर्नफ्लोर और चावल काटा, तीनों चीजों की यकजा करने के बाद मिक्स कर चुके हैं। ऑन द अदर हैंड एक और बॉल में तीन अंडे हम बीट कर चुके हैं। उसके बाद अब बाकी प्रोसेस की जानिब चलते हैं। और ठीक है, ऑयल तैयार है, ऑलमोस्ट करते हैं इसमें फ्राई। सवाल पूछे एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता, जवाब भी लेंगे, लेकिन इससे पहले मंजूर इलाही आ चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी इकबाल भाई, मंजूर इलाही खोड़ने बुलारीपुर से, शेफ के 21 में। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक मंजूर साहब, परफेक्ट। और जब हमारे किचन में ब्रोस्ट बनने जा रहा हो तो कैसे होंगे हम? जनाब अली, ब्रोस्ट तो बन रहे हैं जनाब, आप बताएं, ये तेल का हादसे में ये कुछ आत्मा बच गए हैं? मैं तो डर गया था एकदम से, मैं तो दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको बचाए, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं मंजूर साहब, हम तो आदि हो गए ना, पता नहीं लास्ट भी गुजरता बस नहीं, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे भाई। मैं तो चलो शुक्र है, तो ब्रोस्ट बन रहे हैं, बड़े मजे रेसिपी मुझे बताए। मेरी एमसीआर पीसीआर कैमरामैन मेरे भाई कहते हैं जी, एमसीआर पीसीआर टीसीआर कैमरामैन सब बहुत खुश हैं और मजे में यकीनन। अच्छा मंजूर साहब, हमने सवाल पूछा एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता। जनाब अली, कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो नहीं डूबती, जैसे जैसे कि किसी का प्यार इतना सच्चा हो वो नहीं डूबता। अच्छा, प्यार से भरा अगर सेब हो तो वो कैसे डूब सकता है? क्योंकि सेब इसलिए नहीं डूबता कि उसका खुद का वजन पानी से कम होता है, इसलिए नहीं डूबता। मंजूर इलाही साहब, अब नहीं देखते पानी में जो जहाज चलता है उसका वजन कितना ज्यादा होता है, वो भी नहीं डूबता। हाँ, इसीलिए कि वो अंदर से खाली होता है, इसलिए नहीं डूबता। अच्छा अच्छा, आपसे जनाब दिल्ली प्यार मोहब्बत के 21 के लिए दुआएं हैं, इसका भी आगे चल के मैं जवाब का सोचता हूँ कि क्या हो सकता है। जी जी। ये कि कल की जो रेसिपी थी चिकन मंचूरियन जी, जनाब आपको पता है मेरे बबलू माशाल्लाह बहुत पसंद करते हैं ऐसी चीजें, और आज का ब्रोस्ट भी उसका पसंदीदा है, तो मैं सिर्फ ये जानना कल की रेसिपी का कि जी क्या वो उसको अंडा मैदा और चिकन को फ्राई किया जाता है तो वो क्यों नहीं हुआ? हाँ मंजू साहब, ने कल के शो में कहा, वैसे अमूमन चाइनीज खानों में यही होता है, कॉर्नफ्लोर मैदा मसाले अंडा शामिल करने के बाद उसे मैरिनेट करके फ्राई किया जाता है, लेकिन हमने शेयर की डायरेक्टली, यानी कि फ्राई नहीं करना, डायरेक्टली आपने बनाना है। ठीक है, बस ये एक नई चीज मुझे मिल गई है, ये जबरदस्त, अंदाज हो रहा था आप कितना जानते हैं कुकिंग के बारे में। खुश रहे मंजू साहब, थैंक यू सो मच। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों ऑयल के अंदर शामिल कर रहे हैं, ठीक है, ब्रोस्ट कर रहे हैं तैयार, मैरिनेटेड मसालेदार चिकन है। इसके खास प्रोसेस जरा देखिएगा, ठीक है, इससे पहले आपने आटे के अंदर शामिल किया, जरा से मिक्स करना है पहले के, ठीक है, फिर अंडे के अंदर, फिर दोबारा आटे के अंदर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद ऑयल तैयार है, इसमें हम कर रहे हैं फ्राई ब्रोस्ट, फिर से देखिए आप, ठीक है, अंडे के अंदर, वाइट फ्लावर मैदे के अंदर, कोशिश कीजिए दोनों हाथ आपने सब में टच नहीं करना, ठीक है, ये हाथ सिर्फ अंडे में जाना चाहिए, ये हाथ सिर्फ फ्लावर मैदे में जाना चाहिए, ठीक है, इसमें रखा, फिर दोबारा अंडे की कोटिंग है, इससे क्रिस्पी होगा, आप देखेंगे काफी मजे का ब्रोस्ट होगा तैयार इंशाल्लाह। फिर वन मोर टाइम फ्लावर के अंदर, ठीक है, ऑल्दो इसमें हमने कोई सोडा बेकिंग पाउडर नहीं किया, ठीक है, दो मरतबा फ्लावर में, दो मरतबा अंडे में हमने शामिल किया। अब शाह भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप बताएं अफशा कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ, आपके सवाल का जवाब मैं दे रही थी। प्लीज दीजिए अफशा। मेरे ख्याल पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उसकी वजह से सेब नहीं डूबता। क्या पानी के मॉलिक्यूल्स होते ना, उनकी हरकत की वजह से, मॉलिक्यूल्स पढ़ा था हमने साइंस में ये। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा ही जवाब है। ठीक है, कोई फरमाइश अफशा? फरमाइश करनी आपसे, वो दावत का मेन्यू बता दीजिए सिंपल सा। अच्छा दावत क्या है, शादी की है, मायो मेहंदी क्या है, क्या रिश्तेदारों के होते ना मिलना जो होता है इस तरह? जी जी जी, तो इसके लिए आप बता दीजिए। चलें चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक, अल्लाह हाफिज़। ठीक है दोस्तों, हम कर रहे हैं फ्राई, प्रोसेस जारी है, ब्रोस्ट हो रहा है तैयार, मैरिनेटेड चिकन को पहले फ्लावर के अंदर, फिर हमने अंडे के अंदर, उसके बाद देखिए प्रोसेस जारी इसका, ठीक है, जरा से देख खिलाते हैं।
और एक कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देखिए बहुत जबरदस्त टेक्सचर आया, ठीक है ये देख सकते हैं आप। लेकिन अब इसको और जरा सा कलर लाना है, ठीक है मैरिनेटेड चिकन को पहले फ्लावर के अंदर, पहले अंडे के अंदर, फिर फ्लावर के अंदर, फिर अंडे के अंदर, फिर फ्लावर के अंदर, उसके बाद और फ्राई, फ्राई करने के बाद निकालते हैं, प्रोसेस जारी है। अब मौजूद ही हमारे साथ रुखसाना जैदी भी आ चुकी है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक रुखसाना जैदी जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा दूसरा ये कि जैसे कि आजकल आपने जो सेब आ रहे हैं, बड़े ही अच्छे अच्छे सेब आ रहे हैं, रेड कलर के और येलो कलर के, जी जी, तो आप एप्पल का मुख्तलिफ चीजें बनाना भी सिखा दीजिए, जैसे जैम है, जेली है, क्योंकि आजकल सीजन इतना अच्छा है, खूब आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही, जरूर बनेंगे इंशाल्लाह। और उसका जवाब ये है कि डेंसिटी का मामला है सारा, पानी की डेंसिटी और जो है एप्पल की डेंसिटी, तो इसमें जो है ना डिफरेंस यही है कि पानी से जरा डेंसिटी फर्क है, पानी से भारी होती है डेंसिटी। क्या पानी की डेंसिटी और एप्पल की डेंसिटी का फर्क है? इसके अलावा शेप भी हो सकती है, लेकिन की डेंसिटी का फर्क है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू रुखसाना जैदी जी। दोस्तों रुखसाना जैदी जी मौजूद है, चिकन ब्रोस्ट और फ्राई, उसके बाद निकालते हैं, प्रोसेस जारी है। देखिए बस जरा सा और कलर लाना है, ठीक है, कभी भी ठंडे और फ्राई नहीं कर सकते, ठीक है, वरना एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑयल सही प्रॉपर गर्म होना चाहिए। प्रोसेस जारी है, मैरिनेटेड चिकन या फ्लावर के अंदर, फिर अंडे के अंदर सब करके निकाल लें, बस जरा सा कलर आ जाए उसके बाद निकालते हैं। और एक और चीज, जल्दी फ्राई करने के लिए बहुत से लोग बहुत ज्यादा ऑयल में चिकन शामिल करते हैं, जो गलत तरीका है। जितना ज्यादा वेट करने जाएंगे, जितना ज्यादा फ्राई करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगता है, कम होगा क्विकली होगा फ्राई। प्रोसेस जारी है, ठीक है, और आप कॉल करके शो के सब बनते जा रहे हैं, और टाइम हुआ तो एप्पल का हम सैलेड भी बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत मजे का। ये देख सकते हैं प्रोसेस जारी, बस जैसे ही कलर आता है उसके बाद हम निकालते हैं। सारा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सारा जी, आप बताएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त जोश लग रहा है जी आपका जो आप बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। जिंजर बर्गर भी प्लीज आप बनाना सिखाएं, मतलब रोस्ट आज आप बना रहे हैं तो नेक्स्ट। वैसे एक बात बताऊं सारा आपको? जी जी बोलें। इजी है कि ये जो बनाया है ना, जो प्रोसेस है जी जी, यही आपने प्रोसेस फॉलो करना है, उसमें सिर्फ चिकन ब्रेस्ट पीस लेना है, सीने की पीस बोनलेस, और इसकी आप स्टफ कर दें जिंगर बर्गर के अंदर, बना लेंगे इसी तरह। ओ जबरदस्त, ठीक है। मैंने जी सवाल का जवाब देना था जी, प्लीज बताइए। मेरे ख्याल में वो शेप की वजह से नहीं डूबता, वो काफी उसकी बैलेंस शेप होती है एप्पल की, तो वो इस वजह से नहीं डूबता। किसी नहीं डूबता? बैलेंस शेप होती है, मतलब अपनी शेप की वजह से नहीं डूबता। अच्छा शेप की वजह से, ठीक है सारा, थैंक यू, थैंक यू, खुश रहें, शाबाश बहुत। दोस्तों ये ब्रोस जो पढ़ाई चुके निकालते हैं, और ये देख सकते हैं आप, ये लेग पीस आपका अंदाजा जरूर कितना मजे का, ठीक है। ब्रोस्ट काफी, इसकी कोटिंग देखिए, आवाज जरूर की बात है टक टक की, देख सकते हैं अंदर तक जूसी सॉफ्ट एंड टेम्पटिंग, निकालते हैं जो फ्राई हो चुका है, ठीक है। और इसकी कोटिंग इसलिए अच्छी आई है, एज वी सेड, किसी आपने दो मरतबा अंडे के अंदर डिप किया, फिर फ्लावर के अंदर अंडे के अंदर फ्लावर देंगे, डबल इसकी कोटिंग की है। इसमें हमने कोई मैदा या बेकिंग पाउडर शामिल नहीं किया, ठीक है। काफी मजे का ब्रोस्ट होता जा रहा है तैयार, और जो फ्राई हो चुका निकालते हैं। लेकिन जब भी हम निकालें फ्राई करने के बाद, दुनिया की कोई भी चीज फ्राई कर रहे हो, जब तक निकाल ना लें चूल्हा बंद नहीं करना, ठीक है। प्रोसेस जारी है, टेम्पटिंग, और कॉलर भी उनसे बात करते हैं, बाकी चिकन भी करते हैं फ्राई, और रुबीना अल्ताफ से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी बेटा इकबाल, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप बताएं रुबीना जी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको शुक्रिया अदा करना है, बहुत सारी दुआएं देती हूँ मैं आपको, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके बताए हुए बघारे बैंगन जो थे ना वो बहुत ही जबरदस्त बने। क्या बात है आपकी, बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छे हुए, जिन जिन को खिलाया सबको अच्छे लगे। अब सिर्फ मेरे बच्चों ने नहीं खाए, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे बहुत दूर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लियारी में रहते हैं, मैं सरजादी में रहती हूँ। अच्छा बच्चे कहाँ हैं? वो लियारी में रहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, वो मैंने फ्रिज में नहीं, मैंने फ्रिज में उनके लिए पहले निकाला है रखा है, अब कल मैं उन्हें सप्लाई करूंगी। क्या बात है माओ की, क्या बात है माशाल्लाह, थैंक यू रुबीना जी, सवाल का जवाब देंगे। सालों की हमारी आरजू थी, हमारे बच्चों की ख्वाहिश थी, और ये मैंने पूरी कर दी आपके ताउन से। नहीं अल्लाह खुश रखे आपको, यू आर ग्रेट योरसेल्फ माशाल्लाह। सवाल का जवाब देंगी रुबीना जी?
जी बेटा ये मेरा देखे मुझे कोई साइंसी वजूहत तो नहीं पता है जी, मगर मेरा ख्याल ये है कि एक तो ये है कि ये मिनरल से बना हुआ है, दूसरा इसमें कोई खला नहीं है, शायद ये वजह होगी कि ये डूबता नहीं होगा पानी में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इसे हम फिलहाल लाड़ के अंदर अंडे के अंदर करें फ्राई, प्रोसेस जारी, ब्रेक की जाने भी जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप पहले फिलहाल के अंदर, फिर अंडे के अंदर, फिर फिलहाल के अंदर, फिर दोबारा अंडे के अंदर, और उसके बाद से कर रहे हैं फ्राई, प्रोसेस जारी है। देखिए आप, ठीक है चलते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, दूर रहकर बेल बिताना कहना, लेट्स टेक अ ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइए दोस्तों वेलकम बैक टू अवर शो, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। ब्रोस्ट हमारा फ्राई हो चुका है, उसके बाद निकालते हैं, यहाँ ले आते हैं ब्लेंडर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लेग पीसेस, और इसकी अब कोटिंग देख सकते हैं आप, काफी क्रिस्पी है, अंदर तक जूसी है, सॉफ्ट, टेम्पटिंग, एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, और हल्का सा इसमें हमने चिकन को बॉईल किया, उसके बाद मसाले में मैरिनेट किया, मसाला चटपटा बनाया था हमने अपने देसी अंदाज में, उसके बाद हमने फ्लैट के अंदर शामिल किया, फ्राई करने के बाद निकाल चुके हैं। देखिए कलर भी इसका आला, खाएंगे आपको मजा आएगा। ब्रोस्ट हो चुका है तैयार, ठीक है सक लेते हैं, यहाँ ऑयल बंद किया, उसे ले आते इस तरफ। ठीक है, और उसके बाद जरा से करते हैं कवर। ठीक है ब्रोस, की करते हैं प्रेजेंटेशन, हो चुका है तैयार, क्रिस्पी खस्ता। आप खाएंगे तो इसकी कोटिंग देख सकती हैं आप, काफी क्रिस्पी है एंड मजे का टेम्पटिंग। ठीक है, निकालते हैं, इसलिए करते हैं आप, और इसमें निकालते हैं। ठीक है, ब्रोस्ट निकालते हैं, बल्कि मैं चाहूंगा व्हाइट निकालें। ठीक है, व्हाइट मिस प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी आएगी। प्रोसेस जारी, ब्रोस्ट हो चुका है तैयार, निकालते हैं, सैलेड भी करना है तैयार। कुछ कॉल्स लेंगे, आपके सवाल पूछा है कि एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, एंड थ्रू आउट द शो लोग कॉल करें लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दिया। ठीक है, और ये ब्रोस निकालते हैं। ठीक है, अच्छा एक सॉस बनाई हमने, कॉकटेल सॉस बनती है जिसमें मेयोनीज और केचप मिक्स किया जाता है। ठीक है, हल्का सा कॉकटेल सॉस हमने तैयार किया, इसके अंदर ब्रोस डिप करके खाएंगे, आपको मजा आएगा। ठीक है, और इसे निकालते हैं, इस तरह निकाला, पर करना कुछ इस तरह, सब बताते हैं प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है। जरा से ली कैबेज, ये सा निकल लिया, करते हैं इसे जरा सा काट लेंगे। ठीक है, कैबेज काट रहे हैं, बंद गोभी इस तरह से, बंद गोभी इस तरह काटने के बाद बिल्कुल बीच में इस तरह आपने रखा। ठीक है, उसके बाद ये ब्रोस के पीसेस इस तरह से आपने सेट करते रहने। ठीक है, कुछ एक साइड से, बाकी दूसरे साइड से। ठीक है, उसके ऊपर आपने किस तरह करना है कि जो कॉकटेल सॉस जो हमने तैयार किया था, जिसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ टोमेटो केचप, मेयोनीज, हल्का सा गार्लिक, सॉल्ट, पेपर, ये काफी मजे का दोस्तों, ये ऑन द टॉप ऑफ ब्रोस्ट आपने इस तरह हल्का सप्लाई करना है पैकिंग के ऊपर। ठीक है, आप चाहें तो रख भी सकते हैं साथ प्रेजेंटेशन के लिए भी, लेकिन इससे जरा जूसी होगा और मजा आएगा आपको। ठीक है, ब्रोस्ट हो चुका है तैयार, और ये रखा। ठीक है, ठीक है, और सैलेड की जानिब भी चलते हैं। सवाल पूछा गया एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता, सैलेड के लिए स्वीट योगर्ट सैलेड बना रहे हैं जो 2 मिनट में होगा तैयार। दही मौजूद है इसमें, शामिल करते हैं एप्पल। ठीक है, एप्पल, ठीक है, सेब लिया, इस तरह आपने काट लेना है। ठीक है,
कितना आईपीएल डे कीप्स डॉक्टर अवे, डेफिनेटली सेब के फायदे बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इस तरह से आप इसको काट लेना। ठीक है, साथ ही कुछ कैबेज इसे भी करते हैं फाइन जूलियन। वन मोर एप्पल, इसे भी इस तरह काट लेते हैं। एप्पल के फायदे बहुत ज्यादा। सवाल पूछ रहा है सेब पानी में क्यों नहीं डूबता, एंड आप जवाब देते रहे पर किसी ने अब तक सही जवाब नहीं दिया। ठीक है, और जवाब आपको बताते हैं, बस जरा से इंतजार कीजिए। ठीक है, कैबेज के बाद वन पीस ऑफ कुकम्बर खीरा, दो पीस के। ठीक है, इस तरह करने के बाद से आपने इस तरह से रफ चॉप कर लेना। ठीक है, बंद गोभी, कैबेज, कुकम्बर काट चुके हैं। यहाँ दही मौजूद है, दही में हमने क्या करना है कि चीनी शामिल की, स्वीट योगर्ट सैलेड बना रहे हैं। ठीक है, दो कप दही में हमने चीनी शामिल की, मिक्सड वेल ताकि चीनी का दाना खत्म हो जाए। अच्छी तरह से आपने फेंट लेना। ठीक है, वक्त कम है इसलिए हम क्विकली कर रहे हैं, लेकिन आपने अच्छी तरह बीट कर लेना। उसके बाद ये हम शामिल करते हैं एप्पल, कैबेज, कुकम्बर, खीरा। ठीक है, ये वो सैलेड है जो चाहे लोग अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाहते हो या बालों को बेहतर करना चाहते हो या सेहत को बेहतर बनाना चाहते हो, सबके लिए बेस्ट है। ठीक है, मिक्सर वेल और कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं आप, जिसमें काली मिर्च, जरा सी काली मिर्च, जरा सी नमक, मिक्सर वेल और ये हो चुका है तैयार सैलेड भी। ठीक है, निकालते हैं। सवाल पूछा है एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता, आप जवाब देते रहे लेकिन अब तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया। सही जवाब आपको बताते हैं और सबल निकालते हैं सैलेड। ठीक है, इसमें दोस्तों मेयोनीज नहीं है, स्वीट योगर्ट सैलेड है। वाह क्या बात, तो मैं फिर मोर कलरफुल जरा सलाद पत्ता एंड टमाटर बीच में रखा। थैंक यू सो मच यू ऑल, लेते हैं इजाजत। सवाल पूछे एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता, वजह सिर्फ इतनी सी है कि एप्पल के अंदर, सेब के अंदर 25% हवा होती है। ठीक है, सेब के अंदर 25% हवा होती है जिसकी वजह से वो पानी में नहीं डूबता। थैंक यू सो मच यू ऑल, डू ट्राई दी ऑसम रेसिपी ऑफ चिकन ब्रोस्ट एंड स्वीट योगर्ट सैलेड। खुश रहें शाहदाबाद, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। एंड कहते ना दोस्तों की उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।